नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तक सियासी फायदे के लिए आपने देखा होगा सड़कों, मोहल्लों, गलियों, हवाई अड्डों, पार्कों, बस अड्डों का नाम बदलते हुए, लेकिन इस बार बीजेपी ने सियासी फायदे के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर कर दिया है। बस बाबा साहब का नाम क्या बदलना था, सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो मैंने वो ओरिजिनल संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी का जो हिंदी में हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर है भीमराव रामजी अंबेडकर, और अंग्रेजी में जो उन्होंने हस्ताक्षर किया है वह किया है B.R. अंबेडकर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ राम जी का नाम जोड़ने की बात रखी तो यूपी सरकार ने फौरन मान भी ली, फरमान जारी कर दिया कि अब बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहिए। राज्यपाल ने बाबा साहब के हिंदी में दस्तखत का हवाला दिया जिसमें भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा है। साथ ही तर्क दिया कि महाराष्ट्र में नाम के साथ पिता का नाम लगाने की परंपरा थी, लिहाजा उनके B.R. अंबेडकर नाम का फुल फॉर्म भीमराव रामजी अंबेडकर है। अब महाराष्ट्र में पद्धति ऐसी है कि अंग्रेजी में हो तो खुद का नाम, पिताजी का नाम और फिर सरनेम लिखा जाता है, तो खुद का नाम भीमराव इसलिए बी आ गया अंग्रेजी में, पिताजी का नाम रामजी इसलिए आर आ गया और फिर अंबेडकर। यूपी सरकार में बाबा साहब के नाम के साथ उनके पिता रामजी का नाम जोड़ने की कवायद शुरू हुई तो सियासत की गलियों में तूफान मच गया। बीजेपी विपक्षियों को क्या संभालती, उसके तो घर में ही घमासान हो गया। NDA के पार्टनर तो इस फैसले का स्वागत करने में जुट गए, लेकिन घर के सांसद उदित राज ही इस फैसले पर भड़क गए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए और इसका प्रतिकूल असर दिखाई पड़ रहा है। वो नहीं, गलती नहीं, स्वागत करना चाहिए। फादर्स नेम हमारा, हम फादर्स जो बाप माँ जो होता है वो तो क्या कहते हैं भगवान से भी ऊपर होता है। मेरे नज़र से मैं अपने पिता को, माँ को भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ। नायक जी क्यों कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ या कोई और नागरिक कौन होता है कि किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करे। और जो आदमी रहा नहीं दुनिया में और उसको तो और तकलीफ की बात है, तो मैं तो समझता हूँ कि अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया है। और इनका जो था क्या कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, तो रामजी जो है इनके फादर्स का क्या कहते हैं कि नाम था, तो इसलिए वो जो गवर्नर जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। NDA के दूसरे पार्टनर रामदास अठावले ने नाक जरा घुमा कर पकड़ी, बोले यूपी सरकार का फैसला है तो यूपी में ही लागू रहे, वो बाबा साहब को जिस नाम से अब तक पुकारते रहे उसी नाम से आगे भी पुकारेंगे, यानी पंचों की राय सर माथे, पनाला वहीं बहेगा। यूपी के लिए मतलब ये निर्णय है, कोई पूरे भारत में कोई बंधन, ये भारत सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि भाई वो ऐसा ही लिखना चाहिए करके। आप क्या लिखेंगे, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं तो बोलूंगा बाबा साहब अंबेडकर जी, हम तो बोलते रहते हैं। बीजेपी के लिए राम तो वैसे भी फलदायी है, जय श्री राम का नारा लगाकर बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है। अब बीजेपी ने बाबा साहब के नाम के साथ राम जी का नाम जोड़ा तो विपक्ष को एजेंडा तलाशने में देर नहीं लगी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर करके इसकी आड़ में केवल दिखावटी व सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, जबकि बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को पूरे देश भर में अन्याय, अत्याचार व शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अब बाबा साहब के नाम के साथ राम का नाम जोड़कर दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने के फिर। बेशक भाजपा चाहे जितना भी इनकार करे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर करने के पीछे सियासी मतलब जरूर है, और शायद इसीलिए विपक्षियों की इस बात में भी दम लगता है कि कभी दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अब भाजपा सियासत के लिए राम के नाम पर करना चाहती है। कभी सड़कों के नाम बदलकर, कभी हवाई अड्डों, गलियों और मोहल्लों के नाम बदलकर राजनीति की रवायत तो इस देश ने बहुत देखी थी, अब ये रवायत महापुरुषों के नामों तक पहुंच गई है। वैसे तो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये राजनीति ऐसा
यहाँ नाम में ही काम बन जाता है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। विपक्ष तो जबरदस्त तरीके से हो हल्ला मचा ही रहा है, लेकिन हमने कुछ देर पहले बात की भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर से, वो भी बीजेपी के खिलाफ है इस मुद्दे पर। सुनिए, भीमराव रामजी अंबेडकर, रामजी जोड़ने का फैसला यूपी सरकार का, आपको लगता है ये सही है, ये सम्मान है? सरकार मेरे ख्याल से ये तय नहीं कर सकती है कि किसी व्यक्ति का नाम कैसा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने खुद के जीवन में ही साइन करते समय वो भीमराव रामजी अंबेडकर करके साइन करते थे, लेकिन दूसरी जगह अगर कहीं लिखते थे तो वो भीमराव अंबेडकर ही लिखते थे। तो मेरे ख्याल से ये एक किसी से कॉन्स्टिट्यूशन जब साइन हुआ था उसकी साइन उठाना और फिर उत्तर प्रदेश ने कहना कि भैया ये ऐसी ही तरीके से होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से तरीका गलत है। अब स्पेशल रिपोर्ट में बात लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें रिम्स रांची, रिम्स के अस्पताल रांची में थे, वहां से शिफ्ट कर दिया गया है एम्स दिल्ली, क्योंकि जिन बीमारियों का इलाज होना था वो यहीं पर संभव था। लेकिन इन सब के बीच उनकी नजर रत्ती भर नहीं हटी है सियासत से। देखिए उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। हमारे साथ हैं इस वक्त लालू प्रसाद यादव। लालू जी, ये बताइए, आप दिल्ली जा रहे हैं लेकिन इस समय दिल्ली में राजनीति भी बहुत चरम पर है, तेज है। हमारी प्राथमिकता है स्वास्थ्य, हमारा खराब है और रिम्स से हमको एम्स में भेजा गया, कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, स्टोन भी है और किडनी भी हमारा बढ़ा हुआ है और फिसुला का भी ऑपरेशन करना है तो रेफर है। तो ये शुरू से हमारा बिहार में जो रैली किया था, सबको बुलाया था, सभी लोगों से मैंने अपील किया था कि देश बहुत बुरे हालात में फंसा है, संविधान से लेकर के लोकतंत्र खतरे में है और जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने 14 के चुनाव में, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बेहतर भारत बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन निकाल कर लाएंगे, ये सब बिल्कुल नाकाम, अभी विफल हो गए सब चीज़ों में। देश में हम लोग सब जो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग के बंटवारा का फायदा ही उठाते रहे हैं, इसलिए हमने कहा था कि हम सब देश भर में लोगों को एक करेंगे और एक करेंगे और एक करने के लिए हमने पहल भी किया। सोनिया जी, सब लोग, ममता जी, और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मायावती जी और अखिलेश जी और सब लोग उस रास्ते पर बढ़ चढ़े हैं जहाँ हमारी सोच थी। आप तो बहुत समय से पहल की बात कर रहे हैं। हाँ, पहल उसके कर रहे थे और सब लोग अच्छे दिशा में जा रहे हैं। मैं अपील करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं और सब लोग, आप लोग इकट्ठा होइए और जल्दी इकट्ठा होइए और अपना कोई भी ईगो हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको नैरो मामले को सॉर्ट आउट करके देश को एक सशक्त विकल्प दे करके और ये सरकार जो राम रहीम के बंदों को नफरत के आग में झोंक रही है, बिहार में भी आप देखे होंगे कि कई एक जगह दंगे हो गए। लेकिन लालू जी, एक बात लगातार आ रही है कि थर्ड फ्रंट की बात भी निकल करके आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जो थर्ड फ्रंट, वही ना थर्ड फ्रंट है, थर्ड फ्रंट जो पहले से ईयर में था रहता है उसी को थर्ड फ्रंट, तो सब कांग्रेस को माइनस करके नहीं ना किया जा सकता है। कांग्रेस कोई अलग फ्रंट नहीं ना है, वही फ्रंट है, वही अब कांग्रेस विपक्ष में है तो फ्रंट है। लेकिन कई क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं माइनस बीजेपी, माइनस कांग्रेस, ये फ्रंट बनना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ हमको नहीं लगता, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। आपको लगता है कि कांग्रेस को साथ लेकर के या कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये फ्रंट बनेगा? नेतृत्व का मतलब है कि सब नेतृत्व की बात अपने जगह पर है, ये सब पहले सब लोग इकट्ठे हों
नेतृत्व और नहीं नेतृत्व का सवाल नहीं है। ममता जी भी ऐसी कोई बात नहीं बोली है, भीतर में ऐसी बात नहीं है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। और हम लोग इकट्ठे हैं और सही दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बनेगा, आपको लगता है कि इस सवाल पर जो है सब लोग बैठ उठ के सोचेंगे समझेंगे। हम तो बाहर हैं, किसी का मन तो नहीं टकटोला है हमने। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, सबको इकट्ठा रहना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। आप अपील करेंगे कि एक वन टू वन मार्किंग की जाए 2019 में? सब बैठ करके हम लोग विकल्प बना लेंगे, उसी दिन साफ हो जाएगा। यूपी साफ ना हो गया, बिहार साफ हो गया ना, राजस्थान में हारिए रहे, मध्य प्रदेश में हारिए रहे, कर्नाटका का है तो उसमें सब हारेंगे लोग। तो इसलिए इकट्ठे हों, हमारा ये करना तबीयत ठीक नहीं है। आखिरी सवाल जी, आपको लगता है कि यूपी में गठबंधन बन जाएगा और यूपी में भी कांग्रेस और ये तीनों लोग साथ बन ही चुका है ना? मायावती जी ने तो ऐलान कर ही दिया है। हम वेरी होपफुल इकट्ठा हुई। केजरीवाल को लेकर के, केजरीवाल की पार्टी को क्या कहें? अब वो सब जो कोई डिफरेंसेज, इसीलिए ना मैंने कहा कि नेहरू डिफरेंसेज को अगर कोई है तो उसको पार्ट लेना चाहिए लोग। आखिरी सवाल सर, माइनस कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग बात कर रहे हैं, सब चीज शॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई मोर्चा होगा, मोर्चा वही है जो हम लोग हैं सब। कोई मोर्चा मतलब वही मोर्चा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन डालने का जो बीजेपी मीडिया जो करता रहता है, बेमानी है। सब देश एक है, जनता अब एक हो गई है, सब इकट्ठे हैं। एक चीज और, नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए आपके फ्रंट को? चले गए तो चले गए, जो चला जाएगा उसको अब दबा देने से भी ठीक थोड़ी होगा। तो बीजेपी के लोग टूट के आएंगे और उनके लोग दल में टूटेंगे? ये मैं नहीं कह सकता, समय बताएगा। नीतीश कुमार की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश की कोई सरकार नहीं है अब, बेकाबू हो गया, सरकार पर कोई पकड़ नहीं है। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, साफ तौर पर कहते हुए कोई फ्रंट नहीं है, सीधी लड़ाई होगी और 2019 इस बार इन तमाम लोगों के लिए एक चुनौती भी होगा। विपक्ष जीतेगा जैसा कि लालू यादव कह रहे हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली आज तक। पेपर लीक कांड की कलंक कथा दिखाएंगे पूरे आधे घंटे ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीबीएसई पेपर लीक ने पूरे देश को हिला दिया है। 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के पेपर बाकायदा लीक होते हैं, जानकारी इसकी सीबीएसई को पेपर होने से पहले दी जाती है। लेकिन वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, जब जागे तो सड़क पर देखिए क्या बवाल छिड़ा हुआ है। मैनेजमेंट की गलती है, जिन्होंने लीक करवाया उन्हें पकड़े ना सर। हमने पूछा मैच करी, हम वापस पेपर क्यों दे सर? मोदी सरकार का नाम अब बदल कर पेपर लीक सरकार रख देना चाहिए। ट्रस्ट फैक्टर जो सीबीएसई पर रहता है वो भी कम हो रहा है। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है सर, ऐसे अगर होगा तो हम लोग का क्या होगा? इन छात्रों की चिंता जायज है, इन छात्रों का हंगामा जायज है, क्योंकि मसला इन छात्रों के भविष्य का है। और जब इनकी नींव रखने वाले ही इनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं तो सोचिए इनका आने वाला कल कैसा होगा। जी हाँ, सीबीएसई परीक्षा के दो दो पेपर लीक होने से पूरे भारत में हंगामा मचा है। हम आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का मैथ्स का पेपर और 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये लीकेज देश भर में एक सवाल बन गया है। इस पेपर लीक कांड से केंद्र सरकार के शिक्षा बोर्ड पर बट्टा लग रहा है। बट्टा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ दम भरने वाली मोदी सरकार के बोर्ड में ही भ्रष्टाचार का दीमक घुस चुका है।
सीबीएसई ऑफिसर ही सबसे पहले लीक करवा सकता है पेपर, कोई बच्चा जाके सीबीएसई ऑफिस में लीक नहीं करवा सकता, और सीबीएसई को अकाउंटेबल होना चाहिए। गारंटी दो तो कुछ कि पेपर लीक नहीं होगा, और हमें क्या पता कि जो हमें जो हमने जो कल का पेपर दिया है वो चेक नहीं हो रहा। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सीबीएसई बोर्ड के दो दो पेपर लीक कैसे हो गए, इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन सबसे चौंकाने और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बोर्ड पेपर लीक होने की सूचना 23 मार्च को ही मिल गई थी, इसके बावजूद तय तारीख यानी 26 मार्च और 28 मार्च को लीक हुए पेपर्स की परीक्षा ली गई। सवाल ये है कि जब बोर्ड को इसकी जानकारी मिल गई थी तो तभी परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर दी गई? बोर्ड किस बात का इंतजार कर रहा था? बड़ी लापरवाही है, इतना बड़ा बोर्ड एसईबीएसई का 28 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब अगर ऐसे बोर्ड के भी पेपर लीक होने लग गए तो क्या होगा? इतनी प्रिपरेशन करी हमने, उसके बाद भी अब क्या गारंटी कि दोबारा पेपर लीक नहीं हो सकता? सीबीएसई के एफआईआर के मुताबिक बोर्ड को 23 मार्च को एक फैक्स मिला था। किसी अपुष्ट सूत्र ने शाम 4:30 बजे के आसपास सीबीएसई को फैक्स भेजकर कथित पेपर लीक में एक कोचिंग संचालक और दो स्कूलों के शामिल होने की जानकारी दी थी। राजेंद्र नगर सेक्टर 8 में चल रहे कोचिंग के संचालक और राजेंद्र नगर के ही दो स्कूलों पर पेपर लीक करने का आरोप लगाया गया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये दोनों पेपर एग्जाम होने के दिन से पहले, ये क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया, एग्जाम होने के दिन से पहले दिन व्हाट्सएप पर अवेलेबल थे, जो कि अमंगस्ट द स्टूडेंट्स और कुछ ट्यूटर जो बच्चों की क्लासेस लेते हैं उनके बीच में एक्सचेंज हुआ है। उस चेन को हम लोग एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दसवीं और बारहवीं के सीबीएसई बोर्ड की जो दो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनमें देश भर से 28 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। गवर्नमेंट को इन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना, जिससे हम लोगों को, जैसे हम जैसे बच्चों को कठिनाई ना सहनी पड़े। काफी बर्डन आ गया है सर के ऊपर और दोबारा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पेपर लीक करने वाला बार बार बोर्ड को ये चेतावनी भी दे रहा था कि पका कर दिखा सकते हो तो दिखाओ। सीबीएसई ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि एक अज्ञात शख्स की तरफ से 26 मार्च को भी बोर्ड के एकेडमिक यूनिट को एक लिफाफा मिला जिसमें 4 पेज की हाथ से लिखी इकोनॉमिक्स की आंसर शीट थी। सीबीएसई की जिस परीक्षा से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा था उसका पर्चा लीक हो गया। बोर्ड ने दोबारा पर्चा कराने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन जिस लीक की खबर से लाखों छात्रों और अभिभावकों की नींद उड़ गई, उसकी जानकारी होने के बावजूद सीबीएसई चादर तान कर सोती रही, अब इससे बड़ी लापरवाही भला और क्या होगी। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 मामले दर्ज किए हैं। पेपर लीक की जाँच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी इसे लीड कर रहे हैं। अभी तक सीबीएसई से हम डिटेल कुछ ले रहे हैं, कैसे कैसे पूरा पेपर को सेट करने का, स्टोर करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हमने किया और जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको फिर मिलाकर हमारी टीम में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पेपर पूरा कैसे लीक हुआ। इस पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई है और पेपर लीक के मसले पर सख्त एक्शन लेने को भी कहा है। पीएम ने भी जिस गंभीरता से इस विषय को लिया, और इसलिए क्योंकि हम शिक्षा क्षेत्र में जो क्राइम आया है उसको खत्म करना यह हमारा सबका चैलेंज है। जब अपनी डिग्री की सुरक्षा करनी हो वो लीक नहीं होती, कुछ लोगों की वो तो डिग्री लीक नहीं होती, तो इनको सुरक्षा करने का साधन मालूम है, लेकिन बेचारे बच्चों के पेपर लीक हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसका नाम विक्की है। हम आपको बता दें कि विक्की राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर चलाता है। अब 10वीं और 12वीं के दोनों पेपर्स की परीक्षा फिर से कराई जाएगी, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। फंसा हुआ कौन है, उंगली किस तरफ है? उंगली है केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा बोर्ड पर, और इसीलिए जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है, बीजेपी के पास कोई चारा भी नहीं है, सफाई देती फिरनी पड़ रही है। मोदी सरकार का नाम अब बदलकर पेपर लीक सरकार रख देना चाहिए। किस प्रकार की सरकार है? मोदी जी बात करते हैं एग्जाम वॉरियर्स की, और देश के युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है एग्जाम माफिया उनकी नाक के नीचे। क्यों सीबीएसई के
अध्यक्ष का इस्तीफा मोदी जी नहीं लेते और क्यों इस पूरे मामले में एग्जाम माफिया के ऊपर एक सीबीआई जांच या किसी निष्पक्ष जांच को नहीं बिठाया जाता, मोदी जी चुप क्यों हैं? जिन गुनहगारों ने ये लीक का काम किया है उनको बख्शेंगे नहीं। ये सीबीएसई के लौकिक को एक दाग लगा है और इसलिए इसको हम तह तक जाएंगे और हमने भी एसआईटी भी बनाया है और हमने भी एक इंटरनल जांच कर रहे हैं और दोनों के जो परिणाम आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कल से न अन्याय हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। करोड़ों बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करके अच्छा तैयारी करके गए तो उनका पेपर लीक, यानी ये गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए अभी सीखना पड़ता है। अब तो 4 साल गुजर गए तो अब 1 साल बचा है तो और लीक होते चले जाएंगे और अगर कहीं जहाज को भी अगर थोड़ा लीक हो गया कहीं सुराग गिरा तो जैसा जहाज डूबता है वैसा ही ये लोग डूबेंगे 2019 में। तहकीकात हो रही है कि सीबीएसई के स्टाफ है जो भ्रष्ट हैं या फिर बाहर से कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये आखिरी बार होगा कि कोई भी पेपर लीक हो क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है और हमारे में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हम कर दिखाएं। सीबीएसई के दो दो पेपर्स लीक हो गए। अभी तक जो शक की सुई है वो एक कोचिंग सेंटर पर जा रही है और कोचिंग सेंटर ही नहीं उस व्यक्ति के बारे में भी पुलिस बता रही है जो दरअसल इसका आरोपी बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच बढ़ रही है, लेकिन कौन है ये शख्स, देखिए इस रिपोर्ट। कौन है सीबीएसई पेपर लीक का मास्टरमाइंड? सीबीएसई बोर्ड के कुल कितने पेपर लीक हुए? कितने छात्रों को मिला सीबीएसई का लीक पेपर? क्या पेपर लीक कांड के पीछे विद्या कोचिंग का विक्की है? पेपर लीक करने के लिए किसने बना रखा व्हाट्सएप ग्रुप? पेपर लीक कांड में अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगे। ये खुद बोर्ड मान चुका है कि उसे पेपर लीक की जानकारी 23 मार्च को ही मिल चुकी थी लेकिन सीबीएसई ने भी ये बताया कि इस शिकायत को 24 मार्च को ही बोर्ड के रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया गया था। सीबीएसई के पेपर लीक मामले में अब तक क्राइम ब्रांच ने 2 FIR दर्ज करने के बाद करीब 20 लोगों से पूछताछ की है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों को आइडेंटिफाई किया है। व्हाट्सएप नंबर पर जिन लोगों ने पेपर को सर्कुलेट किया पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अब तक 10 छात्रों की भी पहचान की है जिनके पास ये पेपर एग्जाम से पहले पहुंचे हुए थे, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। सीबीएसई बोर्ड की शिकायत पर पुलिस ने 420, 406 की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस इस केस में दिल्ली के राजेंद्र नगर में विद्या कोचिंग चलाने वाले विकी नाम के शख्स से भी पूछताछ कर रही है। पेपर लीक के पूरे लिंक को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस उन मोबाइल फोन और कंप्यूटर के आईपी एड्रेस का पता लगा रही है जिनके पास लीक पेपर पहले से मौजूद था। पुलिस को 10 छात्रों के बारे में पता लगा है जिनके पास परीक्षा से पहले ये पेपर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक इकोनॉमिक्स और मैथ्स के कुछ कमजोर छात्रों ने सीबीएसई के निचले स्टाफ को साथ मिलाकर ये पेपर लीक करवाया लेकिन क्या इसमें कोचिंग सेंटर के मालिक विकी की भी मिली भगत है या फिर कोई गिरोह इसके पीछे है? पुलिस पेपर लीक में विकी की भूमिका की भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सीबीएसई पेपर लीक मामले अपनी जांच तेज कर दी है। इस वक्त मैं राजेंद्र नगर में मौजूद हूं और आप सामने की तरफ ये जो घर देख पा रहे हैं विद्या कोचिंग सेंटर के एक शख्स जिसका नाम विक्की है उसके बारे में क्राइम ब्रांच को पता चला है जिस तरीके से सीबीएसई ने शिकायत दी थी उसके बाद। पुलिस ने सीबीएसई से पूछा है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने से लेकर उसे छात्रों तक पहुंचने के दौरान कितने लोग उसे देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, पेपर सील पैक कब होता है और उसके पहले किसकी निगरानी में रहता है। जाहिर सी बात है कि पुलिस इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर एंगल से जांच कर लेना चाहती है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा,
दिल्ली आज तक। पेपर लीक कांड के बाद हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे टैक्स के फंदे में फंस गए हैं सिद्धू। देखते रहिए स्पेशल। नवजोत सिंह सिद्धू यूं तो ज्यादा जाने जाते हैं अपने बात करने और बोलने के अंदाज के लिए, ठोको ताली कहने के लिए, लेकिन यहां पर खुद ही फंदे में फंस गए हैं और ये फंदा है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के लिए प्रूफ नहीं दिया, ये आरोप है। देखिए बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। अपनी लच्छीदार बातों और मिसालों के चौके छक्के मारने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पर इनकम टैक्स का बाउंसर पड़ा है। आज तक के हाथ लगे दस्तावेज के मुताबिक बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर विभाग ने दिल्ली में सिद्धू के दो बैंक खातों को सीज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 2014-15 के रिटर्न में सिद्धू ने जो खर्च दिखाए हैं उनके बिल पेश नहीं किए। यू गो टू द टैक्स ऑफिस नॉट, मैं कह रहा हूं माय इनकम टैक्स इज क्लियर, इट हैज बीन क्लियर फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स, यू गो एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक सिद्धू ने कपड़ों पर 28 लाख, यात्रा पर 38 लाख और फ्यूल पर 18 लाख और स्टाफ सैलरी पर 47 लाख रुपए खर्च किए और तो और इनके बिल नहीं दिखाए। दिल्ली से मीतू जैन के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आज तक .in पर जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, दिलचस्प वीडियोस के लिए यूट्यूब पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।